वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखने वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निघा स्वागत करती हाँ। तो दर्शकों एक बाणी चैनल की यह कोशिश रहती है जिमें कि तुम सारे जानते हो कि समय समय के उत्ते उन्होंने वक् वक् मुद्दों तो भी तुहानू जाणू करवाया जाए, नाल ही सिख सरगर्मियों तो भी तुहानू हमेशा ही जाणू करवाया जाता जिन्हां दी समय समय सिर लोड़ हुंदी है। तो इस कोशिश के दौरान अज तुसीं वेख सकते हो मेरे नाल खब्बे पासे सरदार बलविंदर सिंह जी आरटीआई एक्टिविस्ट ने, समाजिक कारकुन ने, हमेशा ही फैक्ट एंड फिगर्स के नाल पंथ का दर्द रखने वाले ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सब तो पहला तो उन्होंने मैं एक बाणी चैनल के उत्ते बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो तुम अपने बहुत ही कीमती समय के गलबात करने के लिए साढ़े नाल समा कढ़िया, क्योंकि तुम एक होंगे ना कि अपनी कौम का दर्द होंगे, अपने पंथ का दर्द होंगे, समाजिक कारकुन तो तुम हो ही, समाज की सेवा के भलाई के लिए तो काम करते ही हो। दूजा एक खिच होंगी है बंदे आपके पंथ के नाल, अपने धर्म के नाल, है ना। तो हूँ मैं दर्शकों दस दिया तुम जगह भी पछाण ही ली होनी है, कुंजवाणी चौंक के उत्ते बैठे हैं। कुंजवाणी चौंक के उत्ते अज आके इन्हों गलबात करन दा मेरा मकसद पता की है कि सिर्फ असी ही इस गल तो जाणू ना होइए, घर बैठे हुए जो साढ़े बलविंदर वीर होनी जेड़े निकल के घर तो बाहर निकल के साडे सारे दा साडे लई आवाज़ चुकने, साडे पंथ दे लई आवाज़ चुक रहे ने, वह सारे सोचिए भी असी क्यों इतने बैठे हुए हैं। आके वेखो इस कुंजवाणी चौंक दे विच जिहड़ा मेन चौंक है उत्थे आके वेखो कि अज तक किन्ने सालों तो सानू जिहड़ा यकीन दवाया गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जिहड़ा एक स्टैचू कुंजवाणी चौंक ते लगेगा, की सीगा ओह, क्यों सानू अजे तक लारे दिते जा रहे ने। बलविंदर सिंह होना ने बहुत डूंगे तौर दे उत्ते इहदे उत्ते सारे जिहड़ी गलबात की है, चाहे वह कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दी गल की जाए, चाहे इहदे उत्ते आरटीआई लाउण दी गल की जाए। तो वीर जी पिछे बहुत दुख हो रहा, अज भी वह चौंक खाली पिया, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जिहड़ा स्टैचू आ वह वेखण दे लई असीं तां तरस ही रहे हां। साडी आउण वाली पीढ़ी दे लई तुसीं वेख लो कि तुसीं सोचदे हो हुण तक किन्ने जिवें कहिंदे ने ना चप्पलां घस गईआं कोटा कचहरियां दे चक्कर लाउंदे लाउंदे, तां की कहिणा चाहोगे तुसीं इहदे उत्ते? रोमन जी सब तो पहले मैं कहांगा असीं चौक जिथे अज खड़े होए हां, असीं शायद इत्थे एक बहुत वड्डा एक बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का अज तक स्टैचू लग जाना चाहिए सी, क्योंकि साड़ी वो कौम जिसने कदे भी देश के लिए कुरबानी कर देने के लिए, देश के लोगों की खिदमत करने के लिए कदे भी नहीं सोचा, दोपहर नहीं देखी, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखिया, तत्तियां तवियां नहीं देखिया, देगा नहीं देखिया, उबल गए जिंदे, असं कदे अपने आप को पिछे नहीं किया, नहीं देश के लिए कुछ करने लिए आए हैं, लोगों की खिदमत करने लिए आए हैं, असं अपने फर्जा की कदे भी कुताही नहीं की। 2% पॉपुलेशन होने के बाद 90% कुर्बानियां, अंडेमान निकोबार की जेल के 90% तख्तियां से चढ़ गए, फांसियां चूम लिया, असं कदे पिछे नहीं हटे जी। तो लेकिन जब कोई लैन की वारी आती है तद हमेशा ही साडे नाल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है, और अज मैं तुहानूं इत्थे साबित करांगा कि साडे नाल किस तरह सरकार दीआं बेइंसाफियां, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट सानूं सैकंड क्लास सिटीजन समझा जांदा। तो मैं जी मैं इस चौक दे विच जुड़िया 2015 दे विच जी, 2014 दे विच सब तो पहला मैनूं पता लग्या कि वरिंदरजीत जी जो बीजेपी दे विच भी हन लेकिन कौम दा इक दर्द भी रखदे हन, उहदे लई बोलदे हन, उन्होंने 16/9/2013 नूं इक एप्लीकेशन पहली कमिश्नर सैकटरी अर्बन हाउसिंग एंड डिवेलपमेंट में यह दी जी, जिदे ना सी भाई इतने कुंजवाणी चौक के स्टैचू लगाया जाए जी। इस तो पहले भी शायद किसी ने किया हो मैं पता नहीं, लेकिन मेरे नाल आया कि वरिंदरजीत जी ने पहली लैटर जो उन्होंने मेरे को पही है 16/9/2013 उन्होंने दी इतने जी। कम जी उस बाद इतने एक होर्डिंग लगाई गई जिदा ना बंदा सिंह बहादुर जी के चौ ना का चौक का ना रख के इतने लोग बच्चे कुछ नौजवानों ने होर्डिंग लगाई जी, लेकिन उस वक्त कहा जाता उस वक्त किसी सियासतदान ने उस चीज़ का इतराज़ किया, उन्हें कहा जी इतने असं राजीव गांधी का लगाना है, ये सिखा ने इतने किस तरह लगाता, उन्हें उस एक दो साडे नौजवानों ने अरैसट भी करवाया जी, तो पुलिस ने उतों आके उतों बैनर जो लग्या तो बोर्ड कुछ देर बाद तू बोर्ड वो मैं तुम डेट भी दस दिना किस दिन 3/9/2014 उतों बोर्ड चुकया गया जो बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक का ना लिखा सी वह बोर्ड चुकया गया जी। जब मैं ये सुनिया न्यूज़पेपर पढ़िया फिर मैं दुख होया भाई आखिर ऐसा क्यों है जी, तुसीं तू बोर्ड बंदा सिंह बहादुर जी का बोर्ड लगे सी क्यों चुकया? मैं जिस तरह एक आरटीआई एक्ट्रेस होने के नाते मेरे को बड़ा एक अच्छा टूल है, पावरफुल टूल है जी, और कोई दसे ना दसे आरटीआई थ्रू मैं पता चल जाता भाई क्यों। रमन जी मैं एक आरटीआई फाइल की उत्थे आरटीआई जी फाइल की, फाइल करके मैं म्यूनसिपल कारपोरेशन फाइल की भाई ये स्टैचू जहाँ इतने जहाँ बैनर लगे बोर्ड नाम लगे चौक का होर्डिंग बोर्ड लगे क्यों पुटिया और कदों पुटिया और कौन अफसर जी जो थक गया जी? रमन जी उतों मैंने जवाब आता
कहते 10 लेबर असं डिप्लाई किए, यह जवाब है 30/9/2014 का। कहते 10 लेबर डिप्लायड अंडर द सुपरविजन ऑफ गुलाब दीन एनफोर्समेंट अफसर एंड टीम कंस्टिट्यूटेड फॉर द जॉब। मैं बड़े भारा कोई हमला हो गया, असं आक्रमणकारिया ने आके चौक मार लिया, 10 लेबर के बंदे भेजे गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टर भेजा गया, भेज के इतों स्टैचू पुटिया गया। स्टैचू नहीं, जब होर्डिंग लगी सी, बैनर लगा सी, एक नेम प्लेट बना के लगाई सी, उन्हें पुटिया गया। बड़ा दुख होया। इस बाद एक होर आर्टिकल गई, मैं कहा जी तुसी ये क्यों पुटिया? कहने लगे जी इलीगल सी, इहदी परमिशन नहीं सी, इस करके असीं नूं पुट दित्ता गया जी। तो कुछ लग्या भी ठीक है, चलो हर चीज़ की परमिशन होनी चाहिए है, लेकिन फिर भी मेरा शक कितना कि मैं क्या नहीं। मैं एक होर आर्टिकल गई जी एम सी म्युनसिपल कारपोरेशन, भाई तुम मैं दसो जम्मू के जो बाकी चौकों के ना रखे दिन, जिन्हें स्टैचू लगे दिन, उन्होंने मैं परमिशन दी जाए जी। रमन जी ने मैं चौकों के ना तो देते, लेकिन कहते जी परमिशन साढ़े को किसी की कोई नहीं। मैं बाकी परमिशन बगैर परमिशन के चौक के स्टैचू लग सकते हैं, उत्थे ना रखे जा सकते हैं, लेकिन सिखां दा अगर किसी की याद के कोई चौक बनाया जाता है, उत्थे तुसीं बिना परमिशन के नहीं लगा सकते। बलविंदर जी एक होर गल, जिवें कहा गया सीगा कि महाराजा गुलाब सिंह होना दे जिन्नी देर तक उन्होंने स्टैचू का मसला हल नहीं हुंदा, उन्नी देर तक बाबा बंदा सिंह बहादुर दे जिहड़े स्टैचू का मसला हल नहीं सकदा। जिवें तुसी भी भावें हुण जिवें लखनपुर महाराजा गुलाब सिंह होना दा स्टैचू जिहड़ा लगन जा रहा, तो उहदा तां हल हो गया, तो नाल ही चाहिए नहीं सीगा कि इस चीज़ का भी हल कढ दित्ता जाना चाहिए सी, मतलब हो जाना चाहिए सी कि चलो उत्थे मेन एंट्रेंस जिहड़ा पॉइंट है उत्थे महाराजा गुलाब सिंह होना दा जिहड़ा स्टैचू मान लग गया, आपां उहनां दी भी इज्जत करदे रिस्पैक्ट करदे आ, ते हुण कुंजवाणी चौंक ते उत्ते तां बाबा बंदा सिंह बहादुर दा लग जाना चाहिए। जी गल तुसी कीती ना अपना लखनपुर वाली, उस गल ते मैं थोड़ा आना जी, लेकिन उससे पहले मैं तुहानूं दसांगा जी। जद मैं कहा इतों जब बैनर पुटिया गया, उतों बोर्ड पुटिया गया जी, उसके बाद जब मैं कमिश्नर नूं मिलिया, सैकटरी जाके मिले, उन्हें कहा जी तुसी इस तरह करो, तुसी ऑफिशियली अपलाई करो, तुसी ऑफिशियली अपलाई करो, असीं तुहानूं परमिशन देंगे लगाने की। रमन जी ये सैकटरी अर्बन हाउसिंग नूं असा एक बाबा बंदा सिंह बहादुर ट्रस्ट बनाया, फाउंडेशन बनाई है, मैं अपने दर्शकों को दस दिया 19/15/1915 असी ऑफिशियली अपलाई किया अर्बन हाउसिंग डिवेलपमेंट सैकटरी 19/1 असा अपलाई किया, उसके बाद 6/2 अर्बन हाउसिंग डिवेलपमेंट सैकटरी जीएमसी कमिश्नर लैटर लिखता, और लैटर की कापी मेरे को भेज दी है, वह भी मैं दर्शकों को दस दिया 6/2/6 और सैकटरी अर्बन हाउसिंग डिवेलपमेंट का जीएमसी कमिश्नर लिखते हैं जी जी, भाई साढ़े को एक रिप्रजेंटेशन आई है कुंजवाणी चौक का नाम बंदा सिंह बहादुर रखने के लिए और स्टैचू लगाने के लिए, तो इन्हों तुम सूँ कंप्लीट करके फाइल बना के भेजो। रमन जी उसके बाद जम्मू म्युनसिपल कारपोरेशन कमिश्नर उस टाइम मनदीप कौर जी आए सन, उसके अलावा पहले दूसरे से उन्होंने भी लैटर लिखी, तो मनदीप कौर जी ने भी एक लैटर म्युनसिपल इन्होंने दोबारा लिखी, अर्बन हाउसिंग ने लिखी जी, यह म्युनसिपल कारपोरेशन की लैटर है जो कमिश्नर जीएमसी कमिश्नर ने अर्बन हाउसिंग ने लिखी, भाई ये कौन सी, इन्हें पूरी हिस्ट्री लिख के भेजी प्रोफाइल पे, रियासी के रहने वाले सन, ये मनहास राजपुर बरादरी बिलोंग करते सन, बाद गुरु महाराज ने मिले उन्होंने अमृत पान किया सिख सजे, तो उन्होंने लिख के भेजा। रमन जी उसके बाद मैं तुम दसागा, उसके बाद रमन जी सारा कागज उत्थे म्युनसिपैलिटी साड़ी फाइल चली, और फाइल चलते चलते 2 महीने उत्थे फाइल चली, फाइल तो पर नोटिंग लिखी गई जी। रमन जी ये मिनट साहब मीटिंग, ये मिनट साहब मीटिंग हाउसिंग बोर्ड के हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के, कैमरामैन कहूँगा ये वो सारे मिनट साहब मीटिंग जी सा फाइल से उत्तर भेज दी, 8 महीने तकरीबन चली उत्थे, अपरूवल भी आलमोस्ट होती गई जी, सारे इन्होंने पूरा नोट अपरूव किए, सब कुछ होता गया, फिर अचानक ही होया इस फाइल में साड़ी उत्तर दबाता गया, उस फाइल मूव नहीं की, फिर असी रमन जी राजपूत बरादरी भी बैठक की एक उन्होंने प्रधान बैठक की, तो उ पता चलिया कि उन्होंने उन्होंने भी इतने कोई क्लेम बनता है, अब मैं अपने दर्शकों को दसागा ये कोई झगड़े वाली गल नहीं, उन्होंने भी उन्होंने वीर का भी राजपूत वीर का भी इतने क्लेम बनता सी, फिर असी एक सुझाव दिता कविंदर गुप्ता जी ने एक बार मिले मुलाकात उन्होंने असं मीटिंग की, असी उन्होंने सुझाव दिता, तो सानू राजपूत वीर कहन लगे तुम कुंजवाणी चौक छड़ दिओ, तुम कोई कठुआ लगा लो लखनपुर लगा लो, असी उन्होंने रिक्वेस्ट की भाई ये एक वैध कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिथे सिखा की डोमीनेस है जी,
इतने ही साढ़े सिख ज्यादा रहते हैं, साड़ी वसू ज्यादा है, लिहाजा इतने सू दिता जाए। फिर असा एक प्रपोजल उन्होंने दिता कि मान लो गुलाब सिंह का भी रुतबा बड़ा उच्चा सी, असं उन्होंने सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्यों ना ऐसा हो जिथे जम्मू कश्मीर की एंट्री गेट है सारा लखनपुर, क्यों ना उत्थे लखनपुर गेट के उपर एक गुलाब द्वार बनाया जाए, उत्थे ना स्टैचू लगाया जाए जी। ते असीं इत्थे गुलाब सिद्धा लगाइए अपना अपना बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी, जी। ते राजपूत वीरां ने भी सहमति प्रगटाई, उन्होंने कहा इस इशू ते असीं गौर फरमा सकते हैं, इन्हों असीं कंसीडर कर सकते हैं। रमन जी जिले गल हुई तो कविंदर गुप्ता जी ने लैटर लिखी डायरैक्टर नैशनल हाईवे अथॉरिटी नूं 22/6/2017 नूं। मैं लैटर भी दस दाँगा कविंदर गुप्ता जी ने, यह लैटर कविंदर गुप्ता जी ने 2017 नूं लिखी, उन्हें लिखिया भाई इतने सानू परमिशन दी जाए भाई असीं इतने गुलाब द्वार बनाइए महाराजा गुलाब सिंह जी के नाँ का, जम्मू कनवानी चौक का बाबा बंदा सिंह बहादुर जी लगाइए। एक गल हुई उसके बाद इन्होंने कविंदर गुप्ता जी ने डीसी जम्मू ने भी लिखिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर नूं भाई 20 लाख रुपए का फंड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विचों, यह भी मैं दसा दर्शकों नूं जी अलाट किया जाए ताकि मैं बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू बनावा। लेकिन गल हुण इत्थे आउंदी है कविंदर गुप्ता जी ने भी हर वारी साढ़े गुरपुरबां ते आके गुरु नानक देव जी के गुरपुरब से आके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के गुरपुरब से आके या अकाली कोर सिंह नगर किसी गुरुद्वारे चाहे जिस भी गुरुद्वारे चो गए पिछले 2-3 साल उन्होंने बड़े ठोक बचा के गल कही कि मैं सिख कौम के नाल बरादरी के नाल मैं वायदा किया है कि मैं इतने बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगाऊंगा। और एक मेरे को वीडियो पे है जिस वीडियो उन्होंने उस बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू उन्होंने अपने जेब के कुछ खर्चा करके उड़ीसा तो चल उड़ीसा तो एक कारीगर लिया के वह बना के किसी फैक्ट्री रखिया है, उन्हें कहा जी बहुत जल्दी लगा देंगे इस स्टैचू बनने के भी 2.5-3 साल हो गया जी। मैं कविंदर जी ने पूछना चाहता कि अगर 4-5 साल तो तुम ये गल कह रहे हो और तुसी, मैं थोड़ी सिंसियरिटी में डाउट नहीं करता, एज ऑन डेट मैं डाउट नहीं करता, लेकिन एक गल मैं जरूर अगे इतने सवाल उठता कि अगर यह फैसला होया कि उत्थे गुलाब द्वार उसले बनेगा साइमल्टेनियसली दोनों चीजा हो गई, बिल्कुल राजपूत वीर ही बैठ के अभी गल करा, बिल्कुल एक एमिकेबली एक सैटलमेंट करा भाई उत्थे तुसी आ जाओ तो इतने सिखा ले छड़ दियो जी, उत्थे तुसी डिसाइड कर लिया तो सिख तुसी उत्थे खड़े हैं तो ऐसा क्यों है इतने आके दुख हुंदा है। वीर जी की सोचते हो इतने एक गल है कि किते किसी चोणा दा इलेक्शन दा या तुहानू तुहाडे ज़हन च आउंदा भी किसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा कि देखांगे कि जदों समा आएगा, कहिंदे ने क्योंकि सियासत है सियासत किधर नूं जा सकदी है, समझना सानू या ते उलझा के रखना चाहुंदे आ छोटे छोटे मसलियां च जी, क्योंकि कौम के लिए एक कौम कम्यूनिटी के लिए यह डिमांड कोई बड़ी वड्डी चीज़ नहीं है रमन जी, वड्डी नहीं। अज जम्मू के विच बड़े ऐसे कारपोरेटर ना, एक ही कारपोरेटर ने 2-2 स्टैचू लगवा दिते, एक ही कारपोरेटर ने शहीदी चौक का नाम बदल के जय माता चौक भक्त माता चौक रख ला, बड़ी खुशी की गल है जी। तुसीं सारे जम्मू का नाम चेंज कर दो सानू कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अगर असीं किधरे कोई गल कहने तो साडी गल नूं कोई भी प्रायोरिटी तरीके नहीं लैंदा, क्यों उन्हूं कंसीडर नहीं करता। असीं एल जी साहब दे मैनूं बड़ा अफसोस है, असीं अज तो 10 महीने पहले एल जी साहब नूं मिले जिन्हें उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड से सिखा दी दी, एक डिमांड साड़ी यह भी सी भाई इतने बंदा सिंह बहादुर स्टैचू। अच्छा एक चीज़ होर दस दें, साढ़े एक कारपोरेटर सरदार इंदर सिंह जी नानक नगर के उन्होंने हाउस में भी पेश किया और अप्रूव भी हो गया, हाउस में पास होने के बाद अज तक तो हिस्ट्री से नहीं होया भाई कोई चीज़ हाउस के पास होने के बाद वो गल ना इंप्लीमेंट हो। इतने असं फिर कहने कि साढ़े ना हमेशा ही सरकार चाहे वह सरकार यह वायदा करके आई हो सबका साथ और सबका विकास, मैं पूछना चाहता उन्होंने एक नारा देने वाले कि ऐसी भी सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विश्वास की गल करते हो, साढ़े तो हमेशा ध्रोह किया साढ़े हमेशा तुम हर गल सू स्ट्रगल करनी पे और साड़िया होर बड़िया इंपॉर्टेंट डिमांड सन, बिल्कुल एक डिमांड तो कोई वड्डी है ही नहीं सी, एक जो भी स्टैचू लगाना एक वड्डी डिमांड से मंग की लिया, बिल्कुल एवं तो तुम कौम बड़ा कुछ दसते हो जी असं तो अफगानिस्तान के सिखा जम्मू ने हिंदुस्तान से लिया रहे हैं, असं तो बंगलादेश कड़ के इतने लिया रहे हैं सेहत और भाई लिया तो रहे हो उन्होंने जब तो उन्होंने राइट्स नहीं दोगे तो फिर लिया भी फायदा, जो इतने रहने वाले बछिंदर राइट्समेट राइट नहीं देंगे राइट्स नहीं देंगे, असं हर गल स्ट्रगल करनी पड़ती है ऐसा क्यों। बिल्कुल मैं एल जी साहब तक भी गल पहुंचा चाहूंगा, एल जी साहब 8 महीने पहले तुम्हें मिले से तुम्हें डिमांडा दीतिया, तुम 10 डिमांडा चो एक भी डिमांड साड़ी कंसिडर नहीं की, फिर अपना नारा बंद कर दिया करो अज के बाद किसी भी फोरम से आके ये नारा ना दिया करो कि सबका साथ सबका विश्वास और खास करके माइनॉरिटीज नाल साढ़े ना सरकार ने हमेशा ध्रोह किया है वो ध्रोह ही करती आई है ये साबित होंगे तुम्हारे सामने। अगर एमिकेबली डिसाइड होया कि उत्थे महाराजा गुलाब सिंह जी का लगेगा सानू खुशी सी, और अगर अज अनाउंस होया सानू फिर भी खुशी है कि महाराजा गुलाब सिंह जी का एंट्री गेट तो बनेगा बड़ी अच्छी गल है, लेकिन मैं पूछना चाहना अगर कंसेंसस बनया सी तो फिर इतने क्यों नहीं होया।
फिर जो कितने ना कितने ये नहीं आ जाता, देखो तुसी बोल रहे हो मतलब कि अपने तौर दे उत्ते बोल रहे हो, जेकर यह एक आवाज उठती है जो आप ऊ माड़ी जी गल दे उत्ते आए सड़क दे उत्ते खिलर के आ जाने, आप ये नहीं कहते कि मतलब इस चीज़ नू लैके तुसी या रौला पाओ या किसी, मतलब ये नहीं है कि अपने अपने जिहड़ी गल आप कुछ घंटियां दे विच कुछ दिनां दे विच सुलझा सकते हाँ उन्होंने असं कट्ठे होकर सुलझाने की कोशिश ही नहीं करते, बंदा एक दूजे के मूँह वाले देखी जाता भी वह करता चलो ठीक है, हाँ जो कर रहा उन्होंने भी आके हल्लाशेरी नहीं देनी भी तू कर रहा बहुत वधिया कर असी तेरे नाल हाँ, इन्ने नाल ही बंदे नूं हौसला हो जाता। और अगले वाले तो आप अक्सर ही देखते हैं ना साडे समाज के उत्ते कि अगले वाले तो दबदबा बन जाता, जदों तुसीं आप ही कट्ठे नहीं होंदे तो अगले तो तुसीं की दबदबा बना लोगे। रमन जी एक बड़ा अफसोस हो रहा है, हर पार्टी ने ना कुछ चेहरे अलग अलग कम्युनिटी के चेहरे रखे होंगे अपने किसी होर सीनियर कैबिनेट कलीग नाल गल की, लेकिन बाद चो फिर मैंने जवाब देता कहते भाई असी कोशिश की है लेकिन नहीं गल बनी, लिहाजा अगर कोर्ट की इंटरवेंशन लै सकते हो करवा सकते हो तुसीं उत्थे जा सकते हो क्योंकि साडी गल उत्थे नहीं बनी। तो मैं हैरान होता अगर तुम किसी कौम को नुमाइंदगी देते हो उन्होंने इन्ने अख्तियार नहीं देंगे कि किसी चौक के स्टैचू लगा सके, फिर तुम किस चीज की नुमाइंदगी देते हो, फिर उस नुमाइंदगी करो ना वैसे ठीक है, फिर उन्होंने कठपुतली बना कठपुतली बना के एज ए स्पोक्समैन लोगों को दसन के लिए भाई एक सिख नुमाइंदा साढ़े को है जी, जो सिख के कोल इन्नी पावर नहीं है तुहाडे कोल, साढ़े को दो तीन सिख चेहरे तुसा बीजेपी रखे दे, अगर दो तीन चेहर के कोल इन्नी पावर नहीं है कि एक चौक के बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगा सकन, मैं कहना इस तो ज्यादा बदकिस्मत साड़ी कौम की नहीं है कि किसी कौम का कारपोरेटर उठ के स्टैचू लगा ले, साड़ी कौम का एमएलसी या होर कोई नुमाइंदा साड़ी कौम का नरेंद्र सिंह जनरल सैकटरी आल इंडिया लैवल से नरेंद्र सिंह जी जम्मू के आल सपुरा के वह भी कौम के चेहरे हैं, सिख कौम की उन्होंने नुमाइश दी जाती है भाई साढ़े थोड़े सिख कौम, लेकिन अगर वो स्टैचू नहीं लगवा सकते तो मैं कहना ऐसे नुमाइंदे को बिना नुमाइंदे ही ठीक हाँ कि जे स्टैचू साडा स्टैचू नहीं लग सकता, सो इस करके बड़ा अफसोस होता है। और मैं अपनी कौम के लोगों को भी कहूँगा खास करके जिस तरह तुम इन्हों नेताओं जिस टाइम तुम गुरुद्वारे लिया फिर सोपा भेंट करते हो ना फिर दुख होंगे फिर कितना कि अंदर हिरदे वाले अंदर जाता, मैं पहले भी कई बार थोड़े चैनल भी कह चुकिया किसी अगर हानर करता ना कोई स्कूल बच्चा बच्चे का दसिया जाता है भाई इस बच्चे ने गोल्ड मैडल लैके आया असं तू हानर कर रहे हैं, यह बच्चा डिबेट भी टॉप आया इन तो असं हानर कर रहे हैं, अगर मैं अपने कमेटियां ने कहगा जो भी कमेटी मैंबर आते हैं नामीनेशन आते हैं इलेक्शन होकर आते हैं रब दा वास्ता है कौम को दसा करो कि असी इस लीडर नूं असी हानर कर लगे हाँ इस लीडर ने साडी कौम दे लई की काम किया है, तुसी सरोपे पाओ दस वारी पाओ लेकिन दस्सा करो। वीर जी गल ए आ देखो ओ क्यों दसन उन्होंने अगर नुमाइंदगी कर रहे ने उन्होंने परसनल काम हो ही जा रहे ने तो उन्होंने किसी नाल की फर्क पैंदा कि साडी कौम दा काम हो रहा या नहीं हो रहा, मतलब ये परसनल बंदा रियलाइज करता असी आम संगत दे विच जाके बहने असी महसूस करते हैं भी बई जे तुसी उन्होंने पिछली बार ये मेमोरेंडम दिता सीगा ये उन्होंने अपने तुसी सवाल दिते सी साडे काम होने चाहिए, जो तुम उन्होंने अगली बार बुलाने हो उन्होंने एटलीस्ट स्टेज के उत्ते खड़े करके पूछो तो सही भी पिछली बार तुम्हें पांच गल् आखिया से उन्होंने दो हुई तीन हुई तुम पांच गल् पिछली बार आखिया से पिछलिया पांच उवें ही पई होंगे पांच होर ला के उन्होंने अगली बार दस कर तो उन्होंने पिछलिया पांच भी नहीं होंगे। रमन जी बिल्कुल ठीक किया पिछले भी 25 साल देख रहे हैं रेजोल्यूशन इन्होंने तो बहुत घट होया कि एक रेजोल्यूशन की जो अगले साल पढ़िया उसकी कोई डिमांड उदी मिलती हो नहीं बिल्कुल, और मैं भी हकीकत ना कहवांगा कि जब पिछले रेजोल्यूशन जब नवा बनाते ना पिछले की कापी उन्होंने को नहीं होंगी बिल्कुल, तो 15-20 साल तो अभी देख रहे हैं लोगों इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके लोगों के इमोशनस करके भाई असी ये पढ़िया तुम्हें जयकारे राय की प्रवानगी दो तो संगत बेचारी भोली भाली वह भी बड़े जोर की बोले सौ निहाल फिर पांच जयकारे छड़ दें इस तरह लगता है कि शायद आने वाले दिनों साड़िया डिमांडा मनी जा रही, लेकिन तुम किसी भी लीडर मैं कह सकता सिंसेरिटी के नाल उस रेजोल्यूशन सरकार तक नहीं पहुँचाया अगली बार आके दोबारा नवा पढ़ लिया बदकिस्मती है कौम की सानू सिंसेयर लीडरशिप नहीं मिली। रमन जी फिर बदकिस्मती भी कहवागा कई बार मनु भी यह गल कही जाती है पर तुम भी ज्यादा ना बोलिया करो भाई क्यों ना बोलिया करिए यार सानू कोई पोस्ट नहीं चाहिए कोई गुरुद्वारे के अहुदे नहीं चाहिए कौम दीआं डिमांडां हन बच्चे फोन करते हैं वीर जी ये गल की सी क्यों नहीं हुई वीर जी ये डिमांड पड़ी गई सी क्यों नहीं हुई आखिर की जवाब दई अपने कौम नूं बच्चों की जवाब दोगे आने वाले भविख जनरेशन की कह के जाओगे असी अगर 10-10 साल गुरुद्वारे के काबज रहे हाँ असी नुमाइंदे रहे हाँ असी एमएलसी रहे हाँ असी कौम की कड़ी गल सरकार के कोलों मनवाई है फिर तुम उन्होंने सरकार दी घड़ियां ते बैठ के उन्होंने प्रचार करते हो अलग अलग झंडियां दे अलग अलग पार्टियां दे घड़ियां जाके प्रचार करते हो जिले आखिर झंडी घड़ी से बैठो ना उस झंडी के थले बहन लगे 10 वारी पहले सोचा करो
ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰੋਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰੋਹ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਭਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੂਥ ਨਾਲ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਉਧਰ ਚਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਭਈ ਜਲਸਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੌਕ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਰਓ 425 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੋਟ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹੀ ਝਾਕਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ 20-30 ਸਾਲ ਮਗਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗਾ ਆਓ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣ ਲਈਆਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੈਚੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਭਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ
गुरु घर तो बहर रहो, कौम के होर बड़े मसले हैं, जिन्हें मर्जी कमेटियां जा रहे मुबारक है तुहानू, सानू नहीं चाहिए किसी जगह से, आओ तुसी करो, तुसी अगे आओ, लेकिन ये चीजा कौम दिया करो, कौम भी लगे कि सानू कोई लीडर मिले है जो कौम का कोई दत रखता है। इन बेनती मैं सारा करा सा किसी किसी शख्स के उपर किसी ना परसनल कोई नहीं है, कौम का दर्द रखते हैं, इस करके ये फाइल इन मोटिया फाइलों इकट्ठिया की दर्द रखते हैं। तो मैं फिर कह रहा मेरी फाइल नहीं है, ये तुहाडी फाइल है, जिहड़ा कोई लीडरशिप साडा लीडर है वो अगे आके फाइल लै जाए, इसनों फॉलो करे ताकि स्टैचू लवा दे असीं उसनूं सम्मानित करांगे। जी जिस तरह के नाल सरदार बलविंदर सिंह जी होना ने बहुत ही संखेप दे विच एक दे सारी जानकारी दित्ती कि उदों तों लैके हुण तक इन्हां दा की योगदान रहा, तो दूजा जिन्हां ने भी बाकी अपना बनदा योगदान पाया भी योगदान सारे पाओ, अपना वधिया तरीके दे नाल अगे आओ, एकता रखो तां ही कुछ होवेगा। हुण जे कोई आखी जावे कि सिद्धे दे शब्दां दे विच कि सवाल इत्थे कौम दा आउंदा चौधर पुणे दा नहीं आउंदा, सारी कौम थोड़े मूंह वल झाकदी है, वेखांगे कि इस तों बाद अज तुहानूं हथ बन्न के बेनती करदे आ कि आ जाओ अगे हो के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जिहड़ा स्टैचू इत्थे लगवाउण दे विच आपदा जिहड़ा योगदान पा दिओ तां जो आउण वालियां पीढ़ियां कह देण तुहानूं वी तुहानूं नुमाइंदा चुणिया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਰਿਆਸੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੇਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੂਹਰੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਰੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਜਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੰਜਵਾਣੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਤਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਜਵਾਣੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।